और वहीं मंडी में आम आदमी पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान आम आदमी पार्टी के नेताओं ने कहा कि कुल्लू में अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान की तिरंगा यात्रा में भारी जनसमूह मौजूद था। इससे साफ जाहिर होता है कि हिमाचल के लोग बदलाव चाहते हैं। आम आदमी पार्टी ने हिमाचल में जनता के मुद्दे उठाए, चाहे शिक्षा की बात हो, स्वास्थ्य की बात हो या रोजगार की बात हो, ये तमाम प्रेस कॉन्फ्रेंस में बातें कही गई। साथियों, जिस तरह से आप लोग जानते हैं कि कल कुल्लू में माननीय अरविंद केजरीवाल जी और भगवंत मान जी की अगुवाई में तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया और देवभूमि में आयोजित इस तिरंगा यात्रा में जिस तरह से लोगों का उत्साह देखा गया है, उससे यह तय है कि प्रदेश की जनता अब बदलाव चाहती है। पिछले काफी समय से आम आदमी पार्टी शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार व प्रदेश सरकार का भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों को उठा रही थी और प्रदेश की जनता का इन मुद्दों पर लगातार हमें सहयोग मिल रहा है। कल की रैली इसलिए भी महत्वपूर्ण थी कि हिमाचल प्रदेश में आम आदमी पार्टी शिक्षा को मुद्दा बनाना चाहती है और प्रदेश के शिक्षा मंत्री माननीय गोविंद ठाकुर जी का वो गृह जिला है और गोविंद ठाकुर जी कहते हैं हमारी शिक्षा व्यवस्था बेहतर है। उन्हीं के गृह क्षेत्र में तिरंगा यात्रा में जिस तरह से लोग उमड़े हैं और जिस तरह से यह ऐतिहासिक कार्यक्रम